को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ चिकन कौरमा, तो आपके साथ शेयर करूँगी तो आप मेरे साथ रहिएगा। चलिए फिर चलते हैं किचन में, पहले पढ़ लेती हूँ नमाज फिर बना चलते हैं किचन में। चलें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये है चिकन। ये इसमें वो जो धनिया वाली चाबी थी ना, उसमें छन्नी में मैंने डाल के उसको रखा हुआ था। धो के रख देती हूँ फ्रीज़र में, लेकिन ना फिर मैंने जब अभी निकाला पानी में रखा था फिर उस छन्नी में डाला था ताकि इसका पानी निकल जाए। तो ये माशाल्लाह से 1 किलो के करीब, किलो से भी ज़्यादा मतलब थोड़ा चिकन है। और ये है कौरमा मसाला, ये देख सकते हैं आप, दो पैकेट हैं। तो इसमें से दो पैकेट में इसमें मैं हाफ डालूंगी क्योंकि बहुत तेज़ मसाला होता है। और ये माशाल्लाह से 1.5 पाव के करीब दही है, तो ये भी डाल दूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। चलें, डाल दिया। और इसमें से डाल देते हैं मसाला, कौरमा मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस पता ही, बहुत तेज़ मसाला होता है, बहुत ज़्यादा तेज़। ज़रूरत पड़ेगी डालूंगी, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है दही, ये भी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि टमाटर नहीं जाएंगे ना, तो दही जाएगा। दही का मतलब वो जो बनेगा ना, मतलब ग्रेवी दही की बनेगी। तो हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश किए, मैं सारा दिन ही धोती हूँ, तो अब इसको मैं हाथों से ही मैरिनेट कर दूँगी। और उसके बाद रख देती हूँ उसको आधा घंटे के लिए, आटा गूंद देती हूँ। फिर जितनी देर में ना, मैं लाइट भी आ जाएगी और लाइट भी नहीं मारी, फिर उसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी, साथ में रोटियाँ बना लूँगी। चले फिर हौज़बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज काट लिया है, माशाल्लाह से 3 से 4 अदद प्याज काटे हैं। और तेज़ी मैंने ऊपर रख दी, फ्लेम मैंने जला लिया। और अब डाल देते हैं इसमें ऑयल। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौरमे में वैसे ऑयल ज़्यादा ही जाता है, तो काफ़ी होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डाल लेंगे, ऐसे नुकसानदायक है ऑयल। और आज मैंने चूल्हे के सारे कपड़े धो दिए, मतलब जितने भी ख़राब थे, रोटी रखने वाले भी रही पकड़ने वाले भी। तो चले फिर डाल देते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक खुशियाँ, मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तमाम कायनात दुनिया से सब समेत और सबको अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे और खुशियाँ नसीब करें, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने शौहर को बीवी की, बीवी की बीवी को, शौहर की, सबको, और अपने अहले ख़ानदान की खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब करे। तो आज ना मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं मेरा बेटा और इकरा दोनों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खैर खैरियत से। सब बच्चों समेत मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक कामयाब करे, कदम पे कामयाबियाँ दे और अल्लाह पाक अच्छी पोजीशन में पास हो जाएँ। और इकरा भी, फायका भी, और मेरा बेटा अच्छे नंबरों से अच्छी पोजीशन ले, आमीन सुमी। तो आज मेरे बच्चे दोनों आ रहे हैं, तो पहले मैं रमशा से ये पूछ कह रही थी कि आप मालूम करो कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम बगवार फिर आई थी कितने दिन से मैंने रखी हुई थी, क्योंकि इकरा तो घर में थी नहीं, तो वो काट के देती, फिर आज मैंने रमशा से कटवाई, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी इससे पहले कि आप काट दो, लाइट तो होती नहीं है सारा सारा दिन, और ना फिर फ्रिज में ख़राब हो जाती है हर चीज़। रमशा ने काटी, फिर हाफ मैंने कटवाई, क्योंकि घर फ्रिज साफ़ करने बड़ी मुश्किल काम है, तो आपको तो पता ही, मैं हर मिनट सब्ज़ी करा से ही साफ कटवाती हूँ। तो मैंने वो फिर ग्वार फली मैंने क्या किया कि ना कटवाई, कटवा के धो के अच्छे वाश करके उबाल दिया। उबाल करते फिर मैंने पहले सोच रही थी कि मैं वो बनाती हूँ आलू और ग्वार फली का सालन बनाऊँगी, ये देखें। लेकिन फिर ना मैंने रमशा से बोला कि आप मालूम करो कि मेरे बच्चे आ रहे हैं दोनों, तो उसने कहा जी मामा आ रहे थे, मैंने कहा चलो ग्वार फली कल बना लेंगे, कोई बात नहीं है, और इंशाल्लाह तआला अपने बच्चों के लिए कौरमा बनाते हैं।
बस ये खुशी होती है, अल्लाह पाक खुशियाँ नसीब करे, तो अल्लाह पाक सब दुनिया को खुशियाँ नसीब करे। मेरी तो यही दुआ है आप सब लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई तकलीफ़ अल्लाह पाक ना करे किसी के भी ज़िंदगी में आए, और अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनकी अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाएँ, अल्लाह पाक उनके नसीब खोले, ताकि अपने वालदैन अपने माएँ अपने हाथों से बच्चियों को रुख्सत करें, अपने घरों की हो जाएँ। आमीन सुमाम। तो मैं प्याज ब्राउन कर लेती हूँ, और ना फिर चिकन माशाल्लाह से आधे घंटे से ज़्यादा हो गया उसको मैरिनेट किया हुआ, टाइम का तो गुजर से पता ही नहीं चलता। आटा गूंदा मैंने और प्याज काटा है, और तोतों को खाना वाना दिया, शाम हो रही ना, बंद करने का टाइम होगा, तो बस उनको खाना देकर आ गई हूँ। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं ऊपर ये सालन रख देती हूँ, फिर एक तरफ रोटियाँ बना लूँगी, चलो प्याज ब्राउन हो जाता है, फिर आपसे मिलते हैं। तो प्याज ब्राउन होने वाला है, बस बल्कि हो चुका है, तो थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए तो फिर डाल देती हूँ बीच में चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई है। प्याज हो चुका है ब्राउन, तब डाल देती हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो इसमें लगा हुआ है ना पकाया मसाला, वो थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी डाल देते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी दही के अंदर ही चिकन गल जाएगी, पक जाएगी, जितना हम चाहेंगे मतलब ग्रेवी रखने, शोरा वगैरह तो रख सकते हैं, वैसे तो मैं कम ही रखती हूँ। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, और इसको ढक्कन देके रख देती हूँ दरमियानी आंच पे, ताकि ये गल भी जाए, और मतलब जब सूख जाए, मतलब सारा कुछ खुश्क हो जाए, तो मैं इसको फ्राई भून भी लूँ अच्छी तरह, भुनाई करके फिर मतलब इसका कोई पानी वगैरह डालूँगी। चलिए फिर इसको ढक देते हैं ढक्कन, और ये देखें आलू हालांकि डलते नहीं है कोरमे में, अपनी मर्जी इंसान डाल भी लेता है, लेकिन मैं डालती हूँ इसमें, डाल रही हूँ इसलिए कि बच्चों को पसंद है, रमशा को पसंद है, इकरा को और अंबर को, तो हम भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद है इसलिए डालूंगी, अभी नहीं बाद में डालूंगी। हाफ सही, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी हो चुका है खुश्क, और अब मैं इसी तरह भुनाई और साथ ही डाल देती हूँ आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं, इसके बाद पानी डाल देते हैं जितना हमने रखना होगा अपनी पसंद पे। ऑयल देखें माशाल्लाह से अच्छा खासा ऊपर आ गया, पकने के बाद और भी ऊपर आएगा। कोरमा माशाल्लाह अच्छी तरह भून लिया, और इस पर थोड़ा सा डाल देते हैं पानी ताकि आलू गल जाए। चलो फिर एक तरफ बना लेती हूँ रोटियाँ। तो कोरमा हो चुका है हमारा तैयार, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं प्लेट में निकाल लेते हैं, और रोटियाँ भी बना ली माशाल्लाह से मैंने सारी, देखें सब्जी भी बना ली, तो प्लेट में निकाल लेते हैं।
मशरूम शॉक कर लिया, देख सकते हैं कौरमा हो गया माशाल्लाह मेरा तैयार, बहुत ही मजेदार। इसके ऊपर छिड़क देते हैं धनिया, चलिए फिर खाना देते हैं सबको, सब खाते हैं मिलकर।